अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा और फिर उसके करैक्टरिस्टिक स्टार्ट किए थे। हमने पहला करैक्टरिस्टिक पढ़ा था कि साउंड वेव्स को, साउंड जो है वो बेसिकली वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। आज हम पढ़ेंगे साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। साउंड वेव्स को अपने ट्रांसफर होने के लिए, मुंतकिल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। और बच्चों, ऐसी वेव्स को क्या कहा जाता है जिसको मीडियम की जरूरत होती है? मैकेनिकल। तो चाहे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इस चीज को एक्सप्लेन करें कि साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है, चाहे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि साउंड की मैकेनिकल नेचर को एक्सप्लेन करें, तो इसका मतलब है कि आपको यही वाला क्वेश्चन आया है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं या पिछले टॉपिक वाला मैकेनिकल वेव्स लिख के आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अच्छा, तो साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है। इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम एक बेल जार अपरेटस के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एक बेल जार अपरेटस। अब ये बेल जार अपरेटस किस तरीके से बना होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले एक वैक्यूम होगा, बल्कि नहीं, आप इसको इस तरीके से देखें कि एक जार है आपके पास, सॉरी, ये आपके पास लेट्स सपोज एक जार है, ये इस तरह से आपके पास एक जार है। बाहर यहाँ बच्चों पावर सप्लाई है, मतलब जैसे स्विच बोर्ड नहीं होता जहां से एनर्जी मिल रही है। इसके साथ दो वायर्स आएंगी, ये बेल जार अपरेटस के अंदर आई, और इस वायर्स के जरिए क्या किया गया है, आपने एक बेल अटैच की है। इस तरीके से ये कनेक्शन होता है, ये एक रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल आपने यहाँ अटैच कर दिया बेल जार अपरेटस के जरिए। अब इस बेल जार अपरेटस को किसके ऊपर रखा जाएगा? एक वैक्यूम पंप के ऊपर रखा जाएगा। बच्चों, वैक्यूम पंप का क्या काम होता है? वैक्यूम पंप का ये काम होता है कि अगर उसको किसी के साथ अटैच करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी एयर होती है ना, वो उसको निकाल देता है, सक कर लेता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें? उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आप जब इस तरह कैसे करेंगे, इसके अंदर एयर फिल्ड है, जाहिर बात है एक जार के अंदर एयर तो मौजूद होगी। अब आपने क्या किया है कि इसको, ये पावर सप्लाई जो है, ये पावर सप्लाई है आपके पास, इसको आपने ऑन कर दिया। ठीक है, पहले हम इसको लेबल कर लें, ये आपके पास बेल जार है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक बेल है, ये आपके पास वैक्यूम पंप है। अच्छा, अब आपने पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। जब पावर सप्लाई ऑन होगी तो ये इलेक्ट्रिक बेल जो है वो रिंगिंग स्टार्ट कर देगी, मतलब बोलना स्टार्ट हो जाएगी, बजना स्टार्ट कर देगी। अब आपको वाजिया आवाज जो है वो सुनाई दे रही होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वैक्यूम पंप के जरिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें से एयर को बाहर निकालना शुरू कर दें। जब हवा बाहर निकलना स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे आवाज़ जो है वो फिबल होती जाएगी, मतलब फिबल आवाज़ ऐसी होती है जो हार्डली आपको सुनाई दे रही हो, बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही हो, आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और एंड पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको सुनाई ही नहीं दे रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि बेल बज नहीं रही, आवाज़ पैदा नहीं हो रही, पैदा हो रही है लेकिन वो यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही कि आपके कानों तक वो आए। ठीक है, तो इस बात के बाद हम क्या करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एयर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे हम इसमें एयर एंटर करना स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरीके से ऊंची होना स्टार्ट होगी, आपको सुनाई दे रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, बिकॉज जब इसके अंदर एयर थी आवाज़ क्लियर थी, जैसे जैसे एयर निकालते गए आवाज़ जो है वो कम होती गई, और जब बिल्कुल एयर बाहर आपने निकाल दी तो आवाज़ आना ही बंद हो गई, और जब दोबारा हमने एंटर करना स्टार्ट की तो आवाज़ क्लियर होना स्टार्ट होगी। तो इस एक्टिविटी से हमें साबित होता है कि साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है।
अब बच्चों मैं आपको इसकी रीडिंग करवा देती हूँ। टॉपिक साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। एक्टिविटी क्या कह रही है, अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। वो कह रहे हैं कि लाइट वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती है उसकी तरह नहीं है, एंड कैन ऑल्सो पास थ्रू वैक्यूम। वो कह रहे हैं कि जैसा कि लाइट वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वैक्यूम में से भी पास कर सकती हैं, खला में से भी पास कर सकती हैं, जबकि साउंड वेव्स ऐसी नहीं है। साउंड वेव्स के साथ क्या होता है, साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड वेव को मुंतकिल होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वैक्यूम। बेल जार को वैक्यूम पे रखा गया है। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन द बेल जार। एक इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको जार के अंदर लटकाया गया है विद द हेल्प ऑफ द टू वायर्स, दो तारों की मदद से, कनेक्टिंग टू अ पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई के साथ अटैच है। बस सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई, पावर सप्लाई को क्या करना है, ऑन करना है। नाउ स्टार्ट पंपिंग, वी कैन हियर द साउंड ऑफ द बेल, हम बेल की आवाज सुन सकते हैं। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार, अब इस जार में से हवा को पंप आउट करना। आउट, पंप आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। स्टार्ट कर दें एयर फ्रॉम द जार बाय मीन्स ऑफ अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप के जरिए। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल, इसकी जो आवाज है वो और ज्यादा फीबल कहते हैं, बिल्कुल ऐसी मध्यम आवाज। एंड एवेंचुअली डाइज आउट, और एट द एंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, डाइज आउट हो जाएगी। Although bell is still ringing, bell अभी भी बज रही है, ऐसा नहीं है कि आवाज वहां पैदा नहीं हो रही, बट ट्रांसफर नहीं हो रही। When we put the air back into the jar, जब हम हवा जार में हवा को वापस भेजेंगे, we can hear the sound of the bell again, हमें बेल की दोबारा आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस सरगर्मी से हमें क्या पता चलता है, वी कंक्लूड दैट, हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल, साउंड वेव सिर्फ ट्रेवल कर सकते हैं या प्रोपागेट, मुंतकिल हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में, या मीडियम, यहाँ हवा की मौजूदगी, लेकिन कोई और मीडियम भी हो सकता है, तो किसी ना किसी मीडियम के जरिए ही ट्रांसफर होती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स वो हम कंप्लीट करेंगे, और ये वाला हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है साउंड वेव्स वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।